फिट इंडिया मूवमेंट कर रहे हैं। बोले किधर है फिट इंडिया तू जी ना मानी सर कौन कौन से जो पहले भी थे पटियाला में जिन्होंने स्टिचिंग करा कोई थे? अच्छा आप थी तो आपने कौन सा बनाया? ये तो जैसे बाजार में लेते हैं तो वैसा ही है, तो बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो जबरदस्त। सब सारे सब व्यापारी बनने के लिए तैयार हैं। अधिकारीगण, सिविल अवाम के प्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों का मैं एम्ब्रॉयडरी एवं कंप्यूटर कोर्स के समापन समारोह में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस कोर्स की शुरुआत 10 अक्टूबर 2022 को की गई थी, जिसको आज लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं। गुलनाज अख्तर वाइफ ऑफ मोहम्मद इकबाल। परवेज अख्तर डॉटर ऑफ आलमदीन बिना भी वाइफ ऑफ मुमताज अहमद। रुखसाना कौशल डॉटर ऑफ खेम दीन मोहम्मद बसीर। कौशल डॉटर ऑफ मोहम्मद अर्शिद। ताजिम अख्तर डॉटर ऑफ मोहम्मद सादिक। शामीन अख्तर वाइफ ऑफ मोहम्मद मुश्ताक। यास्मीन अख्तर वाइफ ऑफ मोहम्मद इशा। अशिता बस्ती वाइफ ऑफ यासमीन। डॉटर ऑफ रशीद। नहीं अख्तर डॉटर ऑफ मोहम्मद। अभी टीचर्स है विश्वास एवं उनको सशक्त बनाने के साथ साथ सिविल अवाम के साथ सेना के संबंधों को मजबूत बनाए रखने व आपसी तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से करवाया गया। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसी वर्ष मार्च अप्रैल में 2 महीने का स्टिचिंग कोर्स बग्यालदारा में चलाया गया था। उसमें शामिल 20 प्रतिभागियों को आज यहां पर सिलाई मशीनों का भी वितरण किया जा रहा है। अब मैं माननीय कमांडर साहब से अनुरोध करता हूं कि वे प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें। माननीय और देखभाल और बग्यालदारा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने यहां पर ये इतना अच्छा एक एम्पावरमेंट का कोर्स चलाया जो कि एम्ब्रॉयडरी और कंप्यूटर जिसमें दोनों शामिल हैं। यहाँ पे मौजूद हमारे सरपंच साहब देखवार के बग्यालधारा के और अपेरी के जो हरजीत जी हैं और सभी टीचर जो यहाँ मौजूद हैं उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया और जितने भी इसमें स्टूडेंट्स थे जो मैंने देखा इसमें अधिकतर हमारी बच्चियां थी, महिलाएं थी। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शाबाश और वेरी वेलकम। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने इस कला को हासिल करा है चाहे वो एम्ब्रॉयडरी का हो, इसमें से आप लोग कुछ वो भी है जिन्होंने पहले स्टिचिंग का भी कोर्स किया था बग्यालधारा में,
उसी सिलसिले में आपने आज एम्ब्रॉयडरी भी सीखा, और कुछ लोग जिन्होंने कंप्यूटर पहली बार मैंने सुना कि चलाना सीखा, इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर चलाना सीखा? ओ काफी सारे, ठीक है। तो आप सभी के लिए हमारी तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से, जो घड़ी बटालियन नहीं करा, ये कोशिश है कि आप सभी को हम मजबूत बनाएं, आप सबको एम्पावर करें कंप्यूटर ट्रेनिंग से, एम्ब्रॉयडरी से, स्टिचिंग से, ताकि आप अपने जीवन में अपना कुछ काम कर सकें। तो जो कला इस बार हासिल करी है उस कला को छोड़ना नहीं है, घर में इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग करनी है। और जिन लोगों को लगता है कि वो सक्षम हो चुके हैं, काबिल हो चुके हैं, अब उनका हाथ स्टिचिंग टेलरिंग में अच्छा हो गया है, तो आप अपने ही घर से बिजनेस भी करिए। तो पिछले बार ये भी हमने वादा किया था कि जिन्होंने स्टिचिंग की क्लासेस की है उनको हम कुछ सहूलियत देंगे, सुविधा देंगे स्टिचिंग मशीन के रूप में, ताकि आप घर बैठे ही इस काम को कर सकें। कई बच्चों ने बोला हमने सीख तो लिया लेकिन अब हम इससे आगे करेंगे क्या, हम पुंछ जा नहीं सकते, पुंछ आने जाने में दिक्कत हो जाती है, तो अगर हमें घर में ही कोई सुविधा मिल जाए। तो इस बार जो सीओ साहब हैं उन्होंने पहले ही प्लानिंग ऐसी करी कि उन सबको हम एक एक स्टिचिंग मशीन भी दे पाए। तो ये एक और कि हाँ इंडियन आर्मी की तरफ से जो बच्चों को ट्रेनिंग दी गई थी आज उसका दिन, आप क्या कहेंगे इंडियन आर्मी? सर जो ट्रेनिंग दी गई थी उससे पहले कि एक बघेलगढ़ में जो सेंटर रखा गया था वहाँ पे जो ट्रेनिंग दी गई थी सिलाई मशीन की, और जो यहाँ पे सेंटर में कढ़ाई और कंप्यूटर की कोर्स करवाई गई है। मैं समझता हूँ कि ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ तो काफ़ी बच्चों को जो है इससे बेनिफिट मिला है, बच्चियों ने अपना एक हुनर सीखा है तो उससे अपने घर की रोज़गार चला सकती हैं। ये बहुत बड़ा एक काम है और बहुत बड़ा एक कदम है। मैं इसकी सराहना करता हूँ कि इंडियन आर्मी का जो आवाम और जवान का एक नारा है तो ये आगे चल रहा है। शुक्रिया। ये आज इसका लास्ट हफ्ता, आप क्या कहेंगे जो इंडियन आर्मी की तरफ से प्रोग्राम किया गया? मेरा नाम अमन अकबर है। आज हमारा कमांडर साहब और कर्नल साहब महाराजा हमारा एरिया अपना कंप्यूटर भी हमारे बच्चों ने सिखाया और मशीन भी दीती और मारो पढ़ो हौसला सारी के मेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार अपने इंडियन आर्मी का कमांडर साहब का और कर्नल साहब का। तो बड़ा खुश हैं और हमारा लोग खुश हैं, इतना फायदा होगा वो जब मशीन दीती भी घर बैठा मैं ये काम चला सकें। साहब शुक्रिया। हम अपने इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एल ओ सी के ऊपर इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया। तो यहाँ पे हमारी कितनी बच्चियों ने हिस्सा लिया, उनको मशीन सिलाई वगैरह की ट्रेनिंग दी गई, कंप्यूटर बताया गया, और हम अपने इंडियन आर्मी का और फोर्टिन महार का बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं।